हेलो भाई, मैं वर्मा नायक। जो ये सेकेंड अपडेट था कुछ स्मॉल मॉडिफिकेशन का, जो कैमरा भूल गया था लास्ट टाइम, तो यहाँ फिट कर दिया। तो यहाँ क्या हो रहा था ना, जो एंगल जो बेटर था इधर, लाइक ऐसा स्लोप है तो सिर्फ नंबर प्लेट ही दिखता है, लाइक थोड़ा वाइड, इतना वाइड नहीं था। सो ये ब्लॉकपंक का कैमरा एक्चुअली इधर होल्ड करके बिठा है, थोड़ा हिलता भी इधर इधर शेक होता है। मूविंग गाइडलाइंस का कुछ नहीं आता है, जैसे सिर्फ नॉर्मल ही है। तो ये था कुछ कैमरा का बॉक्स, ब्लॉक पंक कैमरा का। सो देख सकते हो 1280x720p, और ये इसका स्पेसिफिकेशन HD करके लिखा है। ये इसका MRP 2450। सो ये देखो भाई, रिवर्स गियर का प्रॉब्लम, भटक जाती है। देखो दो तीन बार डालना पड़ता है और बहुत ही हार्ड रहता है। बहुत ही फास्ट है लाइक बूट अप टाइम का, तो ये सभी अच्छा है। लाइक जो एनिमेशन जो हो रहा है ना, सब कुछ ठीक है। तो क्या क्या जाता है इसमें, वाईफाई, ब्लूटूथ, इक्वलाइजर, सब कुछ आता है। क्लियर मेमोरी जस्ट लाइक एंड्रॉयड, नॉर्मल एंड्रॉयड जो रहता है ना वो। सो इसमें भी एक्चुअली एक थीम है, ये मैक्सफिट वाला ने परचेज कर रखा है, तो नहीं तो ये पूरा नॉर्मल जैसे रहता है। ये इंटरनेट वाईफाई कनेक्ट हो चुका है हॉटस्पॉट का। सो देखेंगे क्या होता है अभी। सी और थीम रमिंग जो है, अगर स्टॉप कर दिया ना इसको, क्या होता है देखेंगे। तो ये सेम आता है इसमें, और सारा थीम्स आ जाएगा। तो अपडेट मांग रहे, देखेंगे। चल हो गया है, सो लेट्स ओपन इट। तो इतना सारा कुछ तो आता है थीम्स, लेकिन ये देख रहे हो $6.8, बहुत महंगा है भाई ये तो। कौन सा भी ले लो, ऑलमोस्ट $8। ओ माय गॉड, सही। सो $4, $8, मतलब आप कुछ ले सकते हो अगर आपका पसंद जो है, लेकिन पैसा देना पड़ता है भाई। सब पूरा चाइनीज ही है। अगर देखो बहुत सारा है, कुत्ता का है देखो। सो इट्स $3.8। ओके, अगर क्लिक किया तो कार्ट प्लेस्ड ऑर्डर। तो ये है QR, तो स्कैन करना पड़ेगा अभी, देखेंगे। ओके, परचेज ऐसा आएगा पूरा, कमोडो फ्रिज $3.8। ओके, तो यू कैन पे थ्रू पेपाल। ये है भाई, दो फोन करके आ गया, पूरा चाइनीज है, ऑटोमेटिक डिलीवरी। ओके, सो कार्ड वार्ड ऑप्शन कुछ नहीं आता है, सिर्फ पेपाल आता है। क्या रहा नहीं, तो कुछ फ़ोन नंबर एड्रेस कुछ डालना है और ये एक्टिवेट हो जाता है। सो ये है प्रोसेस, तो अभी फ़िलहाल हमको नहीं होना, चलो देखते हैं दूसरा क्या है। सो ये कुछ इंटरफेरेंस इस तरफ आता है, ये नेविगेशन का। सो वो सिर्फ ऐप आ रहा है, टी लिंक का। ओके ठीक है, देन ये फोन्स, इसमें नए कॉन्टैक्ट्स आ जाता है, रिसेंट जो कॉल किया,
और ब्लूटूथ से म्यूज़िक चला सकते हैं इधर। और ये कुछ सेटिंग्स है, सर्च कर ब्लूटूथ सर्च कर सकते हो। ये है म्यूज़िक से, सिर्फ ये जो है ना लाइक कार्ड वार्ड लाइक सेव करना है इधर से, पेन ड्राइव से या चिप से प्ले कर सकते हो। नॉर्मल म्यूज़िक का नहीं, नॉर्मल म्यूज़िक का नहीं है लाइक ब्लूटूथ से। ये दूसरा है लाइक और क्या आता है इसमें, ओह कैन चेंज दिस, नहीं है चलो। ये सेटिंग्स, इसमें सारा सेटिंग्स आते हैं लाइक एंड्रॉयड में आता है ना जो फ़ोन, सब कुछ लाइक सिस्टम अबाउट डिवाइस। ये प्रोसेसर क्वाड कोर एंड्रॉयड वर्शन 11, एमसीबी कैन वर्शन सिस्टम, ऐसा कुछ है। अगर कार सेटिंग में जाना है तो स्टीयरिंग व्हील का आता है पहला। स्टीयरिंग मतलब ये जो बटन्स रहता है ना, इसका कनेक्शन है लाइक बहुत सारा बटन्स रहता है, उसका कर सकते हो। और रिवर्स सेटिंग्स में, रिवर्स मिरर्स सब कुछ है लाइक रियर डिले और सब कुछ है, बहुत सारा सेटिंग्स। तो आप सेटिंग्स होने के बाद ये पावर बटन लाइक इससे एक बंद हो जाता है लाइक अगर आपको ऑफ करना है तो, और एक टैप करने से ऑन हो जाता है। तो ये कुछ है, ये टाइम का ऑटो एडजस्ट है, 24 मिनट नहीं होना भाई, 12 ओके। यूज ऑटोमेटिक रहने दो ऑटो कुछ भी। तो ये जो है ना ये चेंज करने को नहीं होता है, ये भी ऐसा है, ये जो थीम है ऐसे रन होता है। अगर थीम चेंज करना तो बोला ना उसको कर सकते हैं। मेन्यू में क्या क्या रहता है जस्ट देखो, थीम होता है, एनिमेशन बूट एनिमेशन क्या है देखेंगे, देखो एंड्रॉयड ओके कुछ तो एंड्रॉयड आ रहा है। देन सेटिंग्स मिल जाता है कार का और क्रोम सेटिंग, कार का क्या है आता है सिर्फ डिस्प्ले, नेटवर्क, नेविगेशन, डिवाइसेस करके आया, मतलब बैक साइड जो कनेक्टेड रहता है ना यूएसबी पावर वाला सो सभी, वो इसमें रहता है लाइक। और ये नेविगेशन हो गया, रिवर्स इसमें ना आप कैमरा का सेटिंग कर सकते हो, HD 25 तो रिवर्स कैमरा का है। अगर सेटिंग्स बहुत सारा आता है देखो अप टू 1080p 30 फ्रेम्स तक। उसके बाद ऐप इंस्टॉल रहता है, APK इंस्टॉलर और DSP आता है, अक्स आता है, ये जो है ना फ्रंट कैमरा का है एक्चुअली, अक्स जो बोलते हैं ना फ्रंट कैमरा भी कनेक्ट कर सकता है। और ये ब्लूटूथ कॉलिंग का और ये फाइल मैनेजर, तो अगर आप पेन ड्राइव कुछ डालेंगे ना तो इधर दिख सकता है। तो ये फाइल्स में ना देखो, ये जो फ्लैश है ऑनबोर्ड स्टोरेज का USB 1 अगर डाल रहे हैं तो, जो डैशबोर्ड में दिया ना USB केबल, तो इसमें पेन ड्राइव या चिप डाल के इधर एक्सेस कर सकते हैं USB का। तो इसका और जो है गूगल का मतलब कुछ सर्च करने का नॉर्मल गूगल्स, और जो आया था इसमें नेक्स्ट म्यूजिक प्ले स्टोर रेडियो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स और T-Link। जो T-Link जो ऐप है ना जो एंड्रॉयड में आता है, ये एक्चुअली काम करेगा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का। और ये वीडियो है जो USB थ्रू चला सकते हैं। अभी T-Link में देखेंगे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एप्पल कारप्ले। उसका पहले क्या करना है, अगर नया से T-Link एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले करना है तो पहले ब्लूटूथ ओपन करिए, और ये जो इसका आएगा टॉप वे करके आता है, नहीं तो मैक्स स्पीड करके आएगा, वो कनेक्ट करना है ब्लूटूथ का। और बाद में ये क्या अचानक रिस्टार्ट हो रहा है भाई, सिस्टम कुछ तो गड़बड़ है। जो ओरिजिनल रहता है ना ओरिजिनलिटी रहता है, ये सभी बाहर का लेने का चीज़ नहीं है। चलो फिर से आ गया, चलो
लिंक। तो अभी इसमें ना ब्लूटूथ ऑन करना है पहले, सो ऑलरेडी कनेक्टेड है तो देखेंगे इसमें जो। हाँ ये एक जरूरी था भाई, इस सेटिंग करो और ड्राइवर पोजीशन जो है ना तो राइट कर लीजिए, ताकि नेविगेशन, फ्लोटिंग, बैकग्राउंड कनेक्शन ऑन और ये कुछ सब कुछ ठीक है। सो अभी हो गया कनेक्ट। सो ये लेफ्ट साइड राइट साइड आता है, मतलब ड्राइवर कनेक्ट जो भी राइट से बताया ना हम, सो इधर आएगा। तो अगर लेफ्ट बताएंगे तो इधर आता है ए मेनू, ए वाला मेनू। सो ये है कुछ सीन्स लाइक। तो अभी तो ठीक चल रहा है एप्पल कारप्ले, क्या हो गया पता नहीं। कल पूरा रिसेट करा, अपडेट भी करा था। सो अभी ओके ओके, शायद मैं दूसरा फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ ये। मेरा फ़ोन से थोड़ा लैग हो रहा था एप्पल, ये देखेंगे। तो ये थोड़ा डिले है, मतलब प्ले पॉज करने में या दूसरा ऐप स्विच करने में, आप एप्पल कार प्ले का। सो एंड्रॉयड का बता नहीं, तो एंड्रॉयड का भी चेक करना पड़ेगा। अभी मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, भाई के पास जाना पड़ता है। तो ये कुछ सीन है, जो मेरा फ़ोन दूसरा फ़ोन था ना पुराना फ़ोन से ठीक चल रहा है, जो आईफोन था ना XR है, तो इसमें से ठीक चल रहा है। तो आईफोन 14 से थोड़ा हो सकता है हैवी लग रहा है कि नहीं। सो इसमें ठीक चल रहा है, देखेंगे। अगर आज एक दिन ट्राई करेंगे, अगर ऐसा ही होता है तो देन सिस्टम बदलाना पड़ेगा, जो उन्होंने बोल रहा है कि वेरिएंट भी ले लो अच्छा रहता है। तो बजट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। सो देखो, कंफर्म करता हूँ अगर कौन सा डालना है, नहीं देखेंगे। तो अच्छा जो अच्छा रहता है ना एप्पल कारप्ले वाला, वो सही लगता है। और एप्पल कारप्ले में ये एक दिक्कत है कि देखो, जो ऐप्स दिख रहा है ना इधर, फ़ोन, म्यूज़िक, मैप्स, मैसेज, नो प्लेइंग, मतलब वो हमारा एप्पल कारप्ले का म्यूज़िक से। सो ये अगर ये दबाएगा ना तो एग्जिट हो जाता है, ठीक है। पॉडकास्ट, ऑडियो बुक, कैलेंडर, सेटिंग्स और व्हाट्सएप और मिंक म्यूज़िक। अगर एक्स्ट्रा होना तो कुछ ऐप्स भी आ जाते हैं, लाइक यूट्यूब, यूट्यूब नहीं चला सकते यूजिंग एप्पल कारप्ले। सो सिर्फ आपको क्या करना है, सो मेनू पे जाना है पूरा। सो इधर से डाउनलोड करना है, इधर प्ले करना है यूट्यूब। सो एप्पल कारप्ले का नहीं चलेगा भाई, वो एक दिक्कत है यूजिंग एप्पल कारप्ले। सो ये सिर्फ ये है, तो अगर कुछ कॉल किया था ना, अगर कॉल आता है उस तरफ से अच्छा ठीक है, ऑटोमेटिक लाइक कुछ मैसेजेस सब कुछ दिखता है इधर, मतलब मैसेजेस का देखो सब आ जाएगा। सो सिरी भी अनाउंस करता है, देखेंगे। है सिरी, कॉल माई होम, तो सिरी भी आ जाता है एक्चुअली। हे सिरी, कॉल माई होम। सॉरी, आई डोंट हैव अ होम नंबर फॉर हनुमानेक। ओके, तो जस्ट टू कंफर्म, यूड लाइक टू कॉल हनुमानेक LN आईफोन। तो ऐसा कुछ आ जाता है सिरी, तो एक अच्छा फीचर है, लाइक बिना यूज कर रहे या बटन्स, ये बटन्स वी कैन कॉल समवन, लाइक किसका भी नंबर दे दो या वॉइस जो आपका फेवरेट्स रहता है ना, तो कैन कॉल देम, लाइक ऐसा हो सकता है। सो एक अच्छी चीज़ है। और बाकी जो है ना सिस्टम बढ़िया है, स्पीड गीड वगैरह और डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छा है, लाइक जो दिख रहा है ना नॉर्मल नॉर्मल LED लाइन ही है एक्चुअली, ये वो OLED दिखता है। तो ब्लैक लेवल्स, वाइट लेवल्स बहुत ठीक है। मैंने कुछ सिस्टम चेक करा था लाइक कल, TVS हो गया और ब्लैक वेस्टर हो गया, जीवा का हो गया, तो कुछ थर्ड पार्टी चेक करा है, तो ये सर इस तरह क्वालिटी नहीं है। जो TVS का 10.1 इंचेस का था, फ्रेम मिलता है कि नहीं अभी तक पता नहीं चल रहा है। अगर कुछ वीडियोस में देखा है कुछ 10.5 इंचेस का स्टीरियो लगा रहा है विद द सेम फ्रेम, सो हो सकता है वो भी जल्दी से मिल जाता है फ्रेम अगला नेक्स्ट
दिन में। अभी जो है ना ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब जो ब्लैक लेवल्स जो है ना कलर कंट्रास्ट ये ठीक लग रहा है। दूसरा TVS में भी चल रहा था, जो मैंने चेक करा एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड सभी, तो जो इशू था उसमें ना सब कुछ ठीक है, लेकिन जब भी या उस डिवाइस में था या दूसरा में ऐसा है वो बता नहीं, लेकिन जब भी तुम स्वाइप करेगा ना लाइक एक एक चल रहा है, अगर इधर स्वाइप करा ना एक उस तो ओपन हो रहा है ऐसा, तो ऐसा का तो कुछ दिक्कत था शायद, हो सकता है उनका या वो पर्टिकुलर जो दुकान में था वो कुछ डिफेक्ट्स है बता नहीं, तो हो सकता है वो भी। तो बाकी वीडियोस में देखा है ना दूसरा यूट्यूब में, लाइक यूट्यूब में दूसरा वीडियो देखा TVS का, वो जो एंड्रॉयड सिस्टम वो सभी बढ़िया चल रहा था, इधर थोड़ा प्रॉब्लम है। और ये एक छोटा सा फीचर है, स्मॉल जैसा आता है ना, इसका दबाने से बैक आ जाता है, मतलब अपना एप्पल कारप्ले वाला। अब तो बढ़िया चल रहा है भाई, ये क्या हुआ, कल सब तो पूरा ठीक नहीं था, शायद पूरा रिसेट करने के बाद ये हो रहा है ठीक, देखेंगे 7-8 हज़ार बच जाएगा भाई अगर ये अच्छे से चलाया तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर बी वेरिएंट लगाने का, फिर उसमें 360 डालने का, सो इट विल टेक अनदर टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी। इधर जो हम इतना 360 यूज़ नहीं करते, बस बैक कैमरा रहता है, बस हो जाता है, डोंट वरी। देखो बैक कैमरा बस ये बस है हमको। सो चलो गाइस, वीडियो देखने के थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।